तो कैसे हो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इतने लंबे समय के बाद हमारी कानपुर मेट्रो सीरीज़ में, जो कि अभी हम लोग फेज़ टू के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि नयागंज से लेके पालिका स्टेडियम यानी कि चुन्नीगंज तक है, जिसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर काम स्टार्ट हुए, और अभी तक कितना काम हो चुका है आज देखते हैं। सबसे पहले नयागंज स्टेशन के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर कितना काम हो चुका है। बीच से जो सड़क जाती थी वो तो अभी बंद कर दी गई है, और ठीक है, साइड से थोड़े से विजुअल्स लेने की कोशिश करते हैं। सो सामने विजुअल्स हमें देखने को मिल रहा है कि जो डी वॉल है, जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिल रहा है, वो असल में डी वॉल है और उसी के बीच में काम स्टार्ट है। और उसके ऊपर आप जो ये सरिये वगैरह बिछाए गए हैं, जो पूरी एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, वो असल में रूफ टॉप वॉल है। वो पूरी तरीके से बनने के बाद ही, कंस्ट्रक्ट होने के बाद, उसी के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का काम स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर काम थोड़ा सा बाकी स्टेशन्स के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जेड स्क्वायर यानी कि बड़ा चौराहे से TBM मशीन अब इंसर्ट कर दी गई है, और वहाँ से अब बहुत जल्द खुदाई का काम स्टार्ट होने वाला है। तो आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर TBM मशीन यहाँ पर टनल को बोरिंग करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर टनल तैयार हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि स्पीड मेरे को थोड़ी इतनी ज़्यादा डिसेंट नहीं लगी, मतलब साल से ऊपर हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड मेरे को धीमे लगी। अभी फ़िलहाल मेरे बगल में आप लोगों ये देख रहे हो TBM है, और जेड स्क्वायर में भी वही कहानी, यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता बंद था। तो UPMRC से समझते हैं कि अंदर क्या काम चल रहा है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि कितना काम हो चुका है, और UPMRC ने हमें खुद बताया कि यहाँ पर TBM जो है वो शाफ्ट के अंदर डाल दिया गया है, और 6 महीने का टाइम और लगेगा, यहाँ पर पूरी तरीके से टनल तैयार हो जाएगी। स्टेशन्स तब तक मेरे हिसाब से तैयार हो जाने चाहिए, उसके बाद चुन्नीगंज स्टेशन से शाफ्ट बनाई जाएगी और उसके अंदर TBM डाला जाएगा, जो बड़ा चौराहे तक टनल बोरिंग करेगा, जो कि 3 किलोमीटर का रास्ता है। सो मतलब अगर 990 मीटर के लिए आपको लगभग 6 महीने लग रहे हैं, तो ये तो 3 किलोमीटर के लिए आपको, आप समझ सकते हो कि कम से कम 18 से 20 महीने लगने वाले हैं जब चुन्नीगंज में डाला जाएगा। तो यार काफ़ी अभी टाइम तो लगेगा, अच्छा खासा लगने वाला है, और जो स्पीड हमने सोची थी, जो हमने प्रायोरिटी कॉरिडोर में चमत्कार देखे, तो वो अभी यहाँ पर अंडरग्राउंड में वो चमत्कार शायद थोड़े पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड कंप्लीट होने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। अभी तो ये फेज़ टू की कहानी है, फेज़ थ्री के अंदर भी ये जकरकट्टी वगैरह पे अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। जकरकट्टी पे अभी डी वॉल का काम स्टार्ट होने वाला है, और अभी सेंट्रल पे हमें कोई काम देखने को नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट नगर में भी हमने लैंड ही देखा है कि UPMRC ने कितना तैयार किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं अभी जो बताते हैं कि अभी टाइम तो लगने वाला है। और ये है लाल इमली, और
चुन्नीगंज में भी हमें डाइवर्जन देखने को मिला, तो अब कोई भी स्टेशन के बीच से हम गुजर नहीं सकते, हर जगह हमें डाइवर्जन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे स्टेशन की बात करूँ तो इसी स्टेशन में जब वहाँ पर टनल बोरिंग हो जाएगी तो इसी स्टेशन में टनल बोरिंग स्टार्ट होगी, तो तब तक के लिए तो ऐसे ही काम चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेशन की तैयारी चल रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा मेरे को चेंज देखने को नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इतने समय बाद आने के बाद। फ़िलहाल हो सकता है कुछ कारण हो इस डिले की वजह में, और डिले की वजह में हमें काफ़ी ज़्यादा कारण सुनने को मिलते हैं कि लैंड एक्विजिशन में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, कई बार लाल इमली की ज़मीन फंसी है, तो कई बार अभी जो हम जा रहे हैं अंदर जहाँ से एलिवेटेड नीचे जा रहा है रैंप जहाँ पे बननी है वहाँ पर कभी ज़मीन फंस रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हैं ये इस फेस को लेके, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा काम धीरे, मेरे हिसाब से यही कारण हो सकता है धीरे होने की वजह से। बट अब कुछ कहा नहीं जा सकता, और उम्मीद करते हैं कि अब काम रुके ना और बहुत तेज़ी से चलता जाए, हमें जल्द से जल्द अपनी कानपुर मेट्रो अंडरग्राउंड और पूरी तरीके से देखने को मिले, क्योंकि अभी जो सिर्फ 9 किलोमीटर का जो मेट्रो का है वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं दे सकता अकेला जब तक पूरे शहर में इसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो जाता। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पालिका स्टेडियम पर, वहाँ पर भी अभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, हालांकि वहाँ के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, बट मेट्रो के काम में यहाँ पर भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। यहाँ पर जितना भी एलिवेटेड बनना था वहाँ तक बनाया जा चुका है, उसके बाद थोड़ा सा और पोर्शन है जहाँ पर मेरे हिसाब से लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आ रही है, उसके बाद वहाँ पर जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो उसके बाद वहाँ पर रैंप बनाया जाएगा जिससे चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन को इस एलिवेटेड कॉरिडोर को कनेक्ट किया जा सकेगा। हालांकि मेट्रो के फ़ायदे तो बहुत हैं, बट टाइम इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और अंडरग्राउंड पोर्शन बहुत परेशान कर रहा है पब्लिक को, और जितना मतलब एलिवेटेड में इतनी परेशानी नहीं हुई थी और बहुत आराम से हर तरीके से हर चीज़ बनती चली जा रही थी, अंडरग्राउंड में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है काम में। तो ये है फ़िलहाल आज की वीडियो का कंक्लूजन कि अभी काम थोड़ा सा धीरे है बट अब मेरे हिसाब से स्पीड पकड़ रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हमें कानपुर मेट्रो अंडरग्राउंड देखने को मिलेगी। फ़िलहाल हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे कि कितनी अपडेट्स हुई हैं, कितना काम बढ़ा है। बाकी आप वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशंस बताओ, और मिलते हैं अगली वीडियो।